नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। भोपाल में राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए होम्योपैथी के छात्र छात्राओं ने ज्यादा फीस वसूलने का आरोप लगाया है। 55 छात्र छात्राओं ने शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रम के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन 8 महीने बाद भी फीस और स्टाइफंड का निर्धारण नहीं हो पाया है। सत्र 2016-17 में आयुर्वेद MD की फीस 1,11,835 रुपये और सत्र 2016-17 होम्योपैथी MD की फीस 2,56,000 है। छात्र छात्राओं की मांग है कि दोनों पैथियों की फीस एक समान होनी चाहिए। इसके अलावा देश के किसी भी अन्य राज्यों के सरकारी होम्योपैथी संस्थान में इतनी बढ़ी हुई फीस नहीं है, जिसके चलते ज्यादा फीस वसूलने से मध्य प्रदेश शासन की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। बढ़ी हुई फीस को लेकर छात्र छात्राएं महाविद्यालय के प्राचार्य, आला अधिकारियों, मंत्री और आयुक्त शिखा दुबे तक अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन एडमिशन के बाद से ही परेशानियों का सामना कर रहे छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कारण यह है कि हमको 8 माह हो गया एडमिशन लिए हुए, हमारे 8 माह कंप्लीट हो गए हैं, किंतु अभी तक जो है तो हमारा जो तो स्टाइफंड का पालन निर्धारण नहीं किया गया। दूसरा, अभी हमको एक हफ्ते पहले हमारी फीस का निर्धारण किया गया, जो कि देश के किसी भी शासकीय संस्थानों को, आयुष के संस्थानों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है। हम आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी तीनों एक ही आयुष विभाग से चलती हैं, जिसमें आयुर्वेद की फीस 3 वर्ष की 1,11,000 रुपये, हमारी 2,56,000 रुपये है। 2016-17 में उनसे 1,11,000 रुपये 3 वर्ष की फीस ली जा रही है, वहीं हमसे 2,56,000 रुपये ली जा रही है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में लेते हुए हम लोगों ने इसको आंदोलन किया हूँ कि हमारा किस आधार पे आपने फीस का क्राइटेरिया डिसाइड किया, वहीं पे उनको 1,11,000 देनी पड़ रही है, वहीं पर हमको 2,56,000 रुपये देनी पड़ रही है। तो इस वजह से हमारा ये आंदोलन जारी है। जब तक हमारी फीस आयुर्वेदा के बराबर नहीं की जाती 2016-17 के जो उनको सत्र में दी जा रही है, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोग जो है तो ये अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और हम जो है तो इसके खिलाफ आप लोगों के लिए एक्शन ले सकते हैं, अनुशासनात्मकता के खिलाफ आपको जो है तो प्रताड़ित किया जाएगा, किंतु हम लोग मजबूरन होकर के एक छात्र MD के छात्र होकर के ये अपन शिक्षा को कभी भी इस तरीके से नहीं चाहते थे, किंतु ये मजबूरी है। जब हम इनसे मिलने जाते हैं पिछले 8 माह से, आपका काम प्रक्रिया में है, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, बट ये आज 8 माह से प्रक्रिया में, ये शायद आपको ये विश्वास नहीं होगा, देश का मात्र ऐसा पहला शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान है जहां 8 माह बीत गए और फीस का निर्धारण नहीं किया गया, और वो भी जो फीस बनाएगी वो बिना किसी भी सोचे समझे बना दी गई, और हमारी जो फीस निर्धारित की गई उसमें 16 अगस्त के बाद हमको प्रतिदिन 20 रुपये पेनाल्टी देना है। 8 माह से हमारा स्टाइफंड नहीं दिया गया, ये उसका कोई ना पेनाल्टी है ना तो मिलने का कोई आसरा है, को कम मिलेगा कैसे मिलेगा उसका नहीं, तो ये भी तो कोई गवर्नमेंट बॉडी ने डिसाइड किया होगा कि इनसे 20 रुपये प्रतिदिन जो है तो इसका जो है तो इनसे पेनाल्टी वसूली जाए। हम हर चीज़ में हमारा ही शोषण किया जाएगा। छात्र छात्राओं का आरोप है कि शासन की प्रस्तावित फीस का स्ट्रक्चर 4 से 5 लाख रुपये है, जबकि शासन का कहना है कि प्रस्ताव पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ आज।